हिंदुस्तान में बहुत सारे मुस्लिम ने हुकूमत किया लेकिन शराब और शबाब को बंद नहीं किया। वार नीतीश कुमार जिसको मुसलमानों को बंद करना चाहिए, मुसलमानों के यहाँ शराब हराम है, लेकिन नीतीश कुमार जी ने उसको हराम कर करके शराब बंदी करवाया। ये बहुत बड़ी बहुत बड़ा मैसेज गया है। अगर मैं समझता हूँ कि अगर मैं वोट उनको न दूँ तो ये मैं गद्दार हूँ नीतीश कुमार का। मुझे अंसारुल हक कहते हैं और मैं नीतीश कुमार को वोट करने जा रहा हूँ। क्या वजह है उसकी? वजह यह है कि जब से मैं होश संभाला हूँ, ये पहला हिंदुस्तान का, पूरे हिंदुस्तान में हमारे बिहार का पहला मुख्यमंत्री ऐसा आया है जो पूरे बिहार को सजा दिया, विकास का काम किया, हर लाइन में विकास किया है। इतना विकास का काम किया है कि मैं समझता हूँ कि उनको भी उतना याद नहीं होगा, भूल गए होंगे कि कितना विकास किया है। वो हम लोगों को कॉपी देखना पड़ेगा, किताब देखना पड़ेगा, तब पता चलेगा। यानी हर सेक्टर में विकास किया है, लाइन हो, रोड हो, शांति हो। शांति का इतना ऐसा है कि मैं जिस वक्त छोटा सा था, यानी होश में था, तो मेरी माँ बोलती थी कि 4 बजता था और घर में बंद कर दिया करती थी। आज मैं पटना में 11 बजे खाना खाता हूँ और अपने घर जहानाबाद हो करके, वो एरिया था जो नक्सल का एरिया था, और नक्सल का एरिया होते हुए गांव-गांव हो करके मैं यहाँ अपने घर पर आ जाता हूँ 11 बजे खाना खा करके पटना से और सड़ी हुई मोटरसाइकिल से। और जब मैं आता हूँ तो मेरी माँ बोलती हैं कि तुम इतना रात में क्यों आ गए। ये शांति का माहौल बना हुआ है, किसी तरह का कोई डिस्टर्ब नहीं है। और अब कितना बतलाया जाए, नाली है, गल है, जल है, इलेक्ट्रिक है, रोड है, भरा हुआ है। यानी अगर मैं समझता हूँ कि अगर मैं वोट उनको न दूँ तो ये मैं गद्दार हूँ नीतीश कुमार का। पहले नेता जो आता था, नेता लेता था सिर्फ, लेकिन नीतीश कुमार सिर्फ देते हैं, वोटरों के ख्याल करते हैं, वोट का ख्याल वो नहीं करते हैं, सिर्फ वोटरों का ख्याल करते हैं, यानी आम जनता का ख्याल करते हैं, पूरे बिहारियों का ख्याल करते हैं। और उन्होंने किया है, और थोड़ा बहुत और अगर रह गया है तो अगर तीसरे बार जब फिर बनेंगे तो फिर वो भी पूरा कर देंगे। अभी वो 7 निश्चय चल रहा था, पहला निश्चय, अभी सेकंड 7 निश्चय फिर उन्होंने पारित किया है, और उसमें बहुत सारी योजनाएं आई हैं, बहुत सारी चीज़ें आई हैं जो उसको वो पूरा करेंगे। और उसमें ये है कि रोड तो हमारा कंप्लीट हो गया, गली कंप्लीट हो गया, अब साल, 2 साल 3 साल के बाद वो जो टूटेगा तो उसको रिपेयर करने का इंतज़ाम ब्लॉक में होगा, जिला के जरिए होगा, वहाँ ये वो अलग इंतज़ाम कर रहे हैं। और फिर किसानों के लिए हर खेत में जल पहुँचाने के लिए उन्होंने अभी वादा किया है, और मुझे उम्मीद है ये सब तो तब होगा ना जब वो जीतेंगे। जीतेंगे, जरूर जीतेंगे, और इंशाल्लाह जरूर वो जीतेंगे, उनके अलावा कोई नहीं जीतेगा। इसलिए कि उससे बेहतर कोई इंसान मैं समझता हूँ कि बिहार में नहीं है, बिहार ही नहीं पूरा हिंदुस्तान में है, और हिंदुस्तान ही नहीं वर्ल्ड में उनका पूछ होता है, जल नल में वर्ल्ड में उनसे सवाल जवाब हुआ है। और उनका एक छोटा सा सवाल है, जैसे मैं पता कर रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, जाति का वोट है, कम्युनिटी का वोट, देखिए इसमें ऐसा है ना कि हमारे यहाँ हमारा कम्युनिटी जो है मुस्लिम कम्युनिटी है, थोड़ा सा एजुकेशन की कमी है और जज्बाती होते हैं, लेकिन जो सुलझे हुए हैं, जो समझदार हैं, वो उनको वोट दे रहे हैं और देंगे, क्योंकि उनको शांति चाहिए। इतना शांति किया है नीतीश कुमार जी ने, मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में वैसा नेता शांत नहीं किया है। क्या लगता है चिराग बाबू सेंध लगा पाएंगे? चिराग बाबू से कुछ होने जाने वाला नहीं है, तो चिराग तो बुझ गया 10 तारीख के बाद चिराग बुझ जाएगा, इलेक्शन के बाद वो उनका चिराग बुझ जाएगा। वो होश में नहीं है, वो होश में नहीं है, वो खुद अपनी सीट बचा ले, जहाँ जहाँ उन्होंने सीट लिया है ना वहाँ वो बचा ले, शायद एक आध पीस, लेकिन वो भी नहीं आएगा। वो जिस तरह से डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो हसद और जलन का काम कर रहे हैं, ये हसद जलन का काम है। कैसे? तो ये कि हम ले लें, हम ले लें, इनको हटा दें, हम ले लें, अरे तो आप काम ही नहीं किया है तो कहाँ से होगा? अभी तो आप खड़े हो रहे हैं, अभी आपकी पहचान ही कहाँ है राजनीति में? अभी आप विरासत में आपको मिला है बाप के जरिए, जिसके वजह करे नीतीश कुमार जी को विरासत से नहीं मिला है, चिराग पासवान चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए हैं, नीतीश कुमार जी धूल मुंह में लेकर के पैदा हुए हैं, और इसलिए धूल के बारे में जानते हैं, जमीन के बारे में जानते हैं, इसलिए नीतीश कुमार
जरूर कर रहे हैं, जितना अब तक किए हैं उसके बाद भी वो करेंगे। इस सब के दिल में बैठ गए हैं। सारे समाज के लोग नीतीश कुमार को ही पसंद करते हैं, सारे समाज के। वो सारे समाज के लिए काम किया है, औरत मर्द बूढ़े बूढ़े बच्चे सब के लिए विकास का काम किया है। इसलिए नीतीश कुमार को वोट ज़रूर मिलेगा और मैं समझता हूँ कि जितने अच्छे लोग हैं वो सब वोट देंगे। ये अच्छे लोग जो है, जो लोग जैसे शराब, मैं एक चीज़ और मैं बतला देता हूँ, बहुत हिंदुस्तान में बहुत सारे मुस्लिम ने हुकूमत किया लेकिन शराब और शबाब को बंद नहीं किया। वारे नीतीश कुमार, जिसको मुसलमानों को बंद करना चाहिए, मुसलमानों के यहाँ शराब हराम है, लेकिन नीतीश कुमार जी ने उसको हराम कर करके शराब बंदी करवाया। ये बहुत बड़ा मैसेज गया है। इसलिए नीतीश कुमार से बेहतर है ही नहीं, क्योंकि कितना बोलेंगे, अगर दो चार घंटा तक हम लोग बोलते रह जाएंगे तो ये पूरा नहीं हो सकता है।